rest in peace. So good morning all of you. तो आज मॉर्निंग में मैं पहुंच चुका हूं अपनी लोकेशन, जो मुझे लोकेशन बताई गई थी, ये कोई एक वर्धमान प्लाजा है. तो यहाँ पे मैं पहुंच चुका हूँ. तो मिलने वाला हूँ मैं आज अपने क्लाइंट से. मुझे आज इंडोर शूट करना है मेकअप में, तो मैं अभी दिखाता हूँ. मैं पहुंच चुका हूँ लोकेशन पे, तो लोकेशन का डिस्क्रिप्शन मैं आपको बता दूंगा. तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक. सो फाइनली मैं पहुंच गया अपने लोकेशन पे और ये रही मेरी क्लाइंट. हेलो मैम. हेलो मैम, व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज मेघा. सो मुझे बताएंगे आपके पार्लर के बारे में थोड़ा सा? ये एक मेकअप स्टूडियो है जहाँ पर हम लोग मेकअप करते हैं, हेयर स्टाइलिंग करते हैं और नेल आर्ट करते हैं, नेल एक्सटेंशन एंड ऑल. और अभी हमने 28 जनवरी को इसकी ओपनिंग करी है. ये वसुंधरा एनक्लेव में है, वसुंधरा प्लाजा मार्केट में. ओके मैम, तो नियर बाय कोई लोकेशन है जिसको क्लाइंट्स को ढूंढने में आसानी हो? नियर बाय इट इज़ नियर धर्मशाला कैंसर हॉस्पिटल. ओके ठीक है मैम, तो चलते हैं फिर अब अपने शूट की तरफ हम. थैंक यू. तो से हियर इज माय बेबीज कैनो, हियर 6D बॉडी 24105 लेंस एंड हियर इज माय लिटिल लेंस 50mm 1.8 मेरा फेवरेट लेंस. और आज मैं यूज़ कर रहा हूँ अपना ये हथियार कोडोक्स की फ्लैश है वहाँ पे TT5022 और साथ में डोम यूज़ करूँगा आज मैं. सो मिलवाता हूँ मैं अपनी मॉडल से. मॉडल मेरी ये रही जो कि इधर है. हाय पूजा. हेलो पूजा, मैं जानना चाहूँगा मतलब ये बेसिकली जो आप शूट कर रहे हो किस पर्पज़ के लिए कर रहे हो? एक्चुअली आई एम इंस्पायर्ड विद जैकलिन फर्नांडिस. उनसे मैं इतनी इंस्पायर हुई थी, उनका जो लुक है, उनका जो गेटअप है, उनके जो तरीके हैं वो बहुत अच्छे लगे थे. तो मैंने सोचा कि उनका एक लुक तो ट्राई करना चाहिए. सो दैट्स व्हाई. तो बेसिकली मतलब आप अपने लिए नहीं कर रहे हो, तो ये आप कर रहे हो जैकलिन के लिए? हाँ बोथ. एक्चुअली मैं अपने लिए भी कर रही हूँ क्योंकि मुझे उनका लुक सेम अपने लिए चाहिए था, क्योंकि उनका लुक जो है वो एकदम परफेक्ट आया था और मुझे वही लुक चाहिए था. और उनके लिए भी कर रही हूँ क्योंकि मुझे प्रोटेक्ट करना और मैं चाहती हूँ कि वो मुझे भी सेम करें, मेरी पिक्स को लाइक करें. बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी यही चाहूँगा. जो आपका लुक है बहुत प्यारा लग रहा है, मैं दिखाना चाहूँगा आपका लुक. वाओ, मतलब फुल टू बंगाली लुक एकदम. कौन सा वाला पोज दिखाओ मुझे? ये वाला लिखे. सो जैकलिन का ये वाला पोज उस समय देखता हूँ फिर एक जैकलिन वाला पोज यहाँ पे आ पाता है कि नहीं. वेट एंड वॉच. हाय निखिल. हाय मैम. बहुत गर्मी हो रही है, बहुत गर्मी हो रही है. हाय पूजा. भाई साहब बहुत गर्मी हो रही है इस टाइम पे. और देखो टाइम मेरी वॉच में हो रहा है 1 बज रहे हैं, सन के डायरेक्शन बिल्कुल ऊपर है. पर जो भी आउटपुट होगा वो मैं आउटपुट दिखाऊंगा और डेफिनेटली देखना. और इसके बाद में वीडियो भी डाली हुई है, वीडियो में देखना.
और मैं इसके बाद में कैमरे की सेटिंग्स भी दिखा देता हूँ इस टाइम पे। कैमरा दिखाओ, 200 मैंने शटर स्पीड रखा है, 4 मैंने अपर्चर रखा है, 125 आईएसओ और कंटिन्यू शॉट डाला हुआ है मैंने इसमें। अब इसमें मैंने कंटिन्यू शॉट मैंने इसलिए डाला हुआ है क्योंकि जब ये जैसे हेयर रोटेट करेंगी तो कंटिन्यू शॉट में बिल्कुल एक परफेक्ट मोमेंट कैप्चर होगा। तो बेसिक जो बिगनर फोटोग्राफर हैं, शटर स्पीड का अच्छा यूज़ करो। और लो एंगल शॉट भी मैंने इसमें डाला हुआ है, लो एंगल शॉट भी इसमें आप देखना, 50 mm का यूज़ करा हुआ है इसमें मैंने बैकग्राउंड काफ़ी ब्लर करने के लिए। और प्लस जो वहाँ पर बैम्बूज लगे हुए हैं उसका मैंने एक अच्छा आउटपुट निकाला है, काफ़ी अच्छे शॉट्स आए हुए हैं। आफ्टर एडिट इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट आएगा आउटडोर का, प्लस में इनडोर भी है। ठीक है, तो वीडियो कंटिन्यू देखते रहो और सीखते रहो। आई एम श्योर यू गाइज विल बी एबल टू डू अ ग्रेट जॉब। कम ऑन पूजा। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, सो फाइनली मेरा इनडोर और आउटडोर शूट हो गया है इस टाइम पर। तो ये मेरा कैमरा, ये मैं, और यहाँ पे शूटिंग हो रही है। और फाइनली मुझे आउटपुट काफ़ी अच्छा मिला है यहाँ पर, क्योंकि बैकग्राउंड में मुझे बैम्बूस वगैरह मिल गए थे तो उसके अकॉर्डिंगली जो मैंने शूट किया है 50 mm के साथ में, काफ़ी अच्छा आउटपुट आया है। और ये बेचारी इसका बैंड बच चुका, फिर गर्मी इतनी हो रही है, ऊपर से साड़ी वेयर कर रखी है। मैंने इसको चलाया फिराया घुमाया, बट ये जब अपना फ़ोटोज़ वगैरह देखेगी ना तो इसका माइंड अपने आप चिल आउट हो जाएगा। और डेफिनेटली अगर हम खुश हैं अपनी फ़ोटोज़ से तो डेफिनेटली आप भी खुश होंगे। वीडियो को देखो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। और अभी मैं दिखाऊंगा आपको कि एक्चुअली में शूट हुआ क्या है और आउटपुट निकला है। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। ये सारी चीज़ें दिखाने का मतलब ये था कि पर्टिकुलरली जो शूट होता है, जो इंडोर शूट होता है, जो मेकअप आर्टिस्ट होता है, इसमें बहुत मेहनत होती है। अब मेहनत क्या होती है मैं आपको दिखाता हूँ। जो मेकअप आर्टिस्ट है वो ये थक के बैठे हुए हैं, मॉडल बेचारी ये बैठी हुई हैं, और जिन्होंने हेयर सेट करा वो ये बैठे हुए। मतलब प्रॉपरली एक शूट करने के लिए कितनी मेहनत होती है वो इस मेकअप को देख के आप बता सकते हैं। सो फाइनली आज का दिन कम्प्लीट होता है हमारा। सो फाइनली आज का डे बहुत अच्छा गया, शूट बहुत अच्छा हुआ, इंडोर भी मुझे आउटपुट अच्छा मिला और आउटडोर भी आउटपुट मुझे अच्छा मिला। तो यहाँ पे मुझे मेकअप भी बहुत परफेक्टली मिला। तो अब जो वीडियो लास्ट टाइम आपने देखी थी उसी की तरह फाइनल आउटपुट में आप देखेंगे कि किस तरीके से हमारी फोटोज़ क्लिक हुई हैं यहाँ पे और क्या हमें आउटपुट आज मिला है। यहाँ पे मॉडलिंग प्लस मेकअप प्लस शूट तीनों चीज़ें इन्वॉल्व थी। और लोकेशन मैं आपको यहाँ पर बता दूँगा। तो सब फाइनली हमारा आज होता है यहाँ पे पैकअप।